सर, आप हमारे काम से खुश हैं ना? सर, हम बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सर, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। अरे हम जानते हैं भाई, जानते हैं, इसलिए हमने सुलेमान से कहकर तुम्हारी लिमिट 20 लाख से 40 लाख तक की करवा दी है। अब तुम 40 लाख का सोना ला ले जा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। की बेटा, की बेटा। पिकाडिली स्ट्रीट 44। गुड शक्ति, बैग दे ऐसे। पुलिस पुलिस, अरे वो बैग किधर? चल चल जल्दी जल्दी। स्टॉप इट। भाग गए तीनों। सर वो सब गड़बड़ हो गई सर। सर वो हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। मिस्टर जॉन का फोन आ गया था हमें। सर हमने बहुत कोशिश की सर, लेकिन सर हम माल को बचा नहीं सके सर। सर माल की हमें फिक्र नहीं है, समझो कि माल घर में ही है। लेकिन वो कौन सा ऑफिसर है जिसने डाबला भाई के माल पर हाथ डालने की जरूरत की? सर उस ऑफिसर को मैंने आपके यहाँ देखा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ठीक से पहचान नहीं सका सर। हाँ सर, हाँ सर। पहचान हम निकाल लेंगे, जरूर निकाल लेंगे। हैं? सोने की जगह पत्थर? मतलब उन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है। कॉल गोल्ड, 100% प्योर गोल्ड। साला डाबला भाई अपने आप को बहुत समझदार और चालाक समझता था, साला बेवकूफ। सोना देखा, इस खोपड़ी का कमाल, इसको कहते हैं दिमाग। रातों रात लखपति, वहाँ पुलिस सोने को ढूंढ रही है और डाबला साला पुलिस को। मास्टर दीनानाथ जी घर पे हैं? आइए आइए। अरे आइए। नमस्ते। आज का दिन तो बड़ा शुभ है कि आप हमारे घर आए। आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता मैं हाजिर हो जाता। हाँ वैसे उसूलन तो आप ही को आना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि गरज अपनी है तो मैं ही चले चलता हूँ। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, आप आज्ञा दीजिए। मासी जी, मैं आपको याद दिलाने आया था कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उनकी शादी कर देनी चाहिए। गंगा प्रसाद जी, मैं जानता हूं हमारे बच्चे बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं। मैंने खुद भी कई बार चाहा कि अपनी बेटी का रिश्ता आपके यहां ले जाऊं, मगर सच्ची बात तो यह है कि आप जैसे बड़े आदमी के यहां रिश्ता ले जाने में मन बड़ा झिझकता था। बड़ा आदमी और मैं? क्या मास्टर जी, जिस इंसान के सामने सारा गांव सर झुकाता हो उसे बड़ा इंसान कौन हो सकता है। अच्छा खैर, ये छोटे बड़े का चक्कर छोड़िए और जितनी जल्दी हो सके शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाइए। लगन का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बस 2 मिनट और रुक जाए पंडित जी, मेरी शादी हो और मेरे भाई ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? वो जरूर आएंगे। अरे क्या खाक आएंगे वो लोग, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। पंडित जी आप शुरू कीजिए। थोड़ा इंतजार कर लें, शायद वो आ जाएं। मैं उनका बाप हूँ, उनके रग रग से वाकिफ हूँ, वो जान बूझ के नहीं आएंगे। पंडित जी चुप घड़ी नबी जी, आप शुरू कीजिए। मैं कह रहा ना शुरू कीजिए। मैंने कहा था ना वो जरूर आएंगे, भाई किसके हैं मेरे। स्वस्ति ने बृहस्पति दादा तू, ओम ब्रह्मा मुरारी स्थिति प्रांतकारी भानु शशि भूमि गुरु शुक्र शनि। बाबू जी वो कहने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साध के शरणे त्रिम्बके गौरी नारायण नमोस्तुते। शक्ति वो छोटू पीछे आ रहे क्या? नहीं भैया, उन दोनों को कुछ जरूरी काम से रुकना पड़ा तो। ये भी तो जरूरी काम है, मेरी शादी हो रही है और उनको आने की फुर्सत नहीं है, ऐसा कौन सा जरूरी काम है? एक, चल चल। 5 ब्लाइंड
500 ब्लाइंड। हजार ब्लाइंड और ये शो शो जी। ले बच्चे देख ए मिठाई बांटो बाजो बजाओ नाचो गाओ अपने छोटों की सगाई हो रही है। पार्वती पार्वती देख देख शेर चिट्ठी आई है अपने छोटों की सगाई हो रही है। अच्छा। देख 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 अरे क्या शोर मचा रहे हो क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है। बाबू जी कल शहर में छोटों की सगाई है हम सबको बुलाया है आप जल्दी तैयार हो जाइए कल सगाई है आज निकलेंगे तो कल पहुंचेंगे। हम नहीं जाएंगे सगाई में। अरे बाबू जी आप नहीं जाएंगे तो सगाई कैसे होगी। ये कोई सगाई का तरीका है न हमसे पूछा न सलाह ली और मंगनी का दिल तय कर लिया हम नहीं जाएंगे सगाई में। बाबू जी अरे पार्वती पार्वती तू जरा समझाना जा जा समझाना। बाबूजी बहू तू जाके उसे कह दे हम इस मंगनी में नहीं जाएंगे। ठीक है आपको नहीं जाना है तो मत जाइए मैं और पार्वती चले जाते हैं चल पार्वती। मैं बाबूजी को अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकती अगर मैं चली गई तो इनकी देखभाल कौन करेंगे। अच्छा तुमको भी नहीं जाना है ठीक है ठीक है मैं अकेला ही चला जाता हूँ और ऐसा स्टाइल से बंठन के जाऊंगा कि सारा शहर देखता रह जाएगा। हाँ मुझे तो उसी दिन इस बात का शक हो गया था जब उन्होंने आकर बताया था कि पुलिस ने हमारा माल पकड़ लिया है। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि हमारा गोल्ड चला गया है मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि डाबला भाई की नजर ने पहली बार धोखा खाया है। फिक्र मत करो बड़े भैया अरे जोगी तुम। हाँ पप्पू मैं। तू क्या समझता है मेरे भाई को धोखा देके उसका माल हड़प करके तू चैन से रह सकता है। अरे जोगी बात तो सुन क्या तेरी बात सुन यार जोगी मदारी का खेल हो रहा है क्या हमको भी जरा देखते दो भाई। अरे भाई ये लोग मारा मारी क्यों कर रहे हैं होते क्यों हो भाई। अरे ये तो छोटू है मेरा भाई है यार छोटू छोटू से छोटू से मारा मत छोटू से। अरे 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 सुनो सुनो मेरी बात सुनो अरे साहब एक बच्चे को इतना मार रहे हैं शरीर में ऐसा होता है क्या रोको उनको रोको ना। अरे छोटू कौन है ये लोग। गुंडे लोग। गुंडे लोग देखने में तो शरीफ लग रहे हैं शहर में ऐसे होते हैं। अच्छा इनकी माँ क्या आप देख तमाशा साला ये ले मुंबई से मारो एक मिनट लगी है सारा मेरा भाई पर हाथ उठा रहा है। ये ले मेरता की मार Ah!
कलकत्ते की बात। जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ, कमाल हो तुम शेर वाले, ये कोई चार आदमी मारते हैं और तुम लोग देखते रहते हो। आ गए तमाशा देखने। अरे खून खून खून। छोटू, इनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? दादू वो व्यापार की दुश्मनी। अच्छा दादू आप आ गए, पर आज मैं तो मर ही जाता। अरे मारे तेरे दुश्मन, लेकिन छोटू तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया था ना? नहीं, व्यापार में सच्चाई और ईमानदारी से बरतते हो ना? हाँ दादू, मैं व्यापार में एकदम सच्चाई और ईमानदारी बरतता हूँ। आप घर चलो दादू, चलो। अरे मेरी पोटली 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 पोटली।